हेलो पीपल, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑन संजीव कपूर खजाना। मैं हूँ शेफ अफराज और आज चलिए बनाते हैं क्लासिक ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट की बात आती है तो सबका मनपसंद और पसंदीदा एक चीज़ होती है जो साउथ इंडिया से है, जो कि है इडली। यू गॉट मी राइट, इडली बनाते हैं। बट इडली बनाने के लिए कुछ प्री प्रेप करने पड़ते हैं, जैसे कि राइस आपको भिगाना पड़ेगा। सो ये प्री प्रेप आपको एक दिन पहले से करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर आपको सुबह इडली खाना हो तो आप नहीं बना पाएंगे, अगर आपके पास इडली बैटर ना हो तो। तो ये राइस है जिसे कहते हैं पाव ऑयल राइस या उखड़ा चावल। उसे मैंने सोक करके रख दिया है यहाँ पे 4 से 5 घंटे। उसी तरह मैंने उड़द की दाल, उसे भी मैंने सोक करके रख दिया यहाँ पर। और साथ ही में यहाँ पर है कोलम चावल, उसे भी मैंने सोक कर दिया है। और उड़द दाल में मैंने कुछ दाने मेथी के डाले हैं, करीबन 1/2 टीस्पून, ताकि इडली को एक अच्छा फ्लेवर मिल सके। तो इन तीनों को मैंने करीबन 4 से 5 घंटे सोक करके रखा था। और अब चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं बड़े से मिक्सी जार में। राइस इसी के साथ मैं डालूंगा हमारा भीगा हुआ कोलम राइस। अब मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा पानी और चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हो ये अच्छा स्मूथली ग्राइंड हो चुका है। तो अब मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगा एक बोल में। और अब इसी जार में हम ग्राइंड करेंगे हमारी उड़द दाल, सो वो भी डाल देते हैं इसमें। और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे एक फाइन पेस्ट में। चलिए ये भी तैयार है। और अब इसे मिला लेते हैं हमारे राइस के मिक्सचर में, यानी राइस के बैटर में। बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे चम्मच से तो मिक्स कर लिया, बट एक टाइम हाथ से मिक्स कर लेंगे इसे। हाथ से मिक्स करने से क्या होता है कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो बढ़ जाता है, अच्छे से होता है, और 8 से 10 घंटे में हमारा बैटर अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। तो इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिए एंड देन इसको कवर करके हम रख देंगे करीबन 8 से 9 घंटे। सो ये मेरे पास ऑलरेडी एक बैटर रेडी है, जो कि फर्मेंटेड है और रेडी है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बबल्स, दैट मीन्स इट इज़ नाइस एंड फर्मेंटेड, और काफ़ी एयरी हो गया है हमारा बैटर। इसमें अब हम डाल सकते हैं सॉल्ट, तो इसे सीजन कर लेते हैं अच्छे से। ध्यान रखिए कभी भी पहले सॉल्ट नहीं डालना चाहिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस को वो रोक देता है और आपका बैटर फिर फर्मेंट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो बैटर कितना एयरी हो चुका है, इट्स नाइस एंड लाइट। और अब ये बैटर तैयार है हमारी इडलियों के लिए। सो यहाँ पे मेरे पास है एक स्टीमर जिसमें मैं डालूँगा पानी, और ये मेरे पास है इडली के मोल्ड्स, इसे हम कवर कर देते हैं ताकि पानी जल्दी गर्म हो जाए। और अब हमारे इडली के मोल्ड्स को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे बहुत ही थोड़े ऑयल के साथ। तो चलिए अब हमारा जो इडली का बैटर है वो हम पोर कर लेते हैं। और इसे रख देंगे हम स्टीम होने के लिए। बस 7 से 10 मिनट ये इडली स्टीम हो जाएगी और तैयार हो जाएगी सर्विंग के लिए। तो चलिए 7 से 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं हमारी इडली को। लवली एज यू कैन सी, ये बढ़िया सी तैयार हो गई है, स्टीम हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। अब इसे हल्का सा हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद एक स्पून की हेल्प से इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। तो अब ये इडली थोड़ी ठंडी हो चुकी है, स्पून को इसमें डिप कर लूँगा और फिर इसकी हेल्प से देखिए कितने क्लीनली ये इडली निकल गई है। इसी तरह हम बाकी की भी इडलियाँ डीमोल्ड कर लेंगे। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और लाइट बनी है हमारी इडली और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो चलिए इसे प्लेट कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर है केले का पत्ता, उसके ऊपर मैं ये इडली अरेंज कर दूंगा। तो लीजिए तैयार है हमारी स्टीम इडली। अब आप चाहें तो इसके और भी वेरिएशन बना सकते हैं, जैसे कि फ्राइड इडली हो गई, मलका पूड़ी इडली हो गई, बट मैं तो इसे स्टीम खाना ही पसंद करता हूँ और ब्रेकफास्ट में यही अच्छा लगता है। और भी ऐसी बढ़िया बेहतरीन ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल संजीव कपूर खजाना।